आज खुशियों के गाओ तराने, आज खुशियों के गाओ तराने, आज खुशियों के गाओ तराने, आज खुशियों के गाओ तराने। आ रहे हैं मेरे रघुराई, दीप घर घर में ऐसे जला दो, दीप घर घर में ऐसे जला दो, दीप घर घर में ऐसे जला दो, दीप घर घर में ऐसे जला दो। जैसे आज दीपावली आई, आज खुशियों के गाओ तराने। चौदह बरसों के बाद काट कर आ रहे हैं वनवास, चौदह बरसों के बाद काट कर आ रहे हैं वनवास, पूरे ही चौदह बरसों के बाद काट कर आ रहे हैं वनवास, चौदह वर्षों के बाद काट कर आ रहे हैं वनवास। इनकी राहों में पल के बिछाओ, इनकी राहों में पल के बिछाओ, संग लक्ष्मण है और सीता माई, आज खुशियों के गाओ तराने। सारी अवध की नगरी सजा दो, एक दुल्हन की तरह बना दो, सारी अवध की नगरी सजा दो, एक दुल्हन की तरह बना दो, सारी अवध की नगरी सजा दो, एक दुल्हन की तरह बना दो, हर किसी को ये जाकर बता दो, हर किसी को ये जाकर बता दो, राम राज्य की अब घड़ियां आई, आज खुशियों के गाओ तराने, आ रहे हैं मेरे रघुराई, आज खुशियों के गाओ तराने।
चरणों को गंगा जल से पखारो, सारे आरती मिलकर उतारो। चरणों को गंगा जल से पखारो, सारे आरती मिलकर उतारो। प्रभु ने प्रेम की धारा देखो, प्रभु ने प्रेम की धारा देखो, आज शर्माते हैं बरसाई, आज खुशियों के गाँव बराने आ रहे हैं मेरे रघुराई, आज खुशियों के गाँव तराने, आज खुशियों के गाँव तराने, आज खुशियों के गाँव तराने, आज खुशियों के गाँव तराने आ रहे हैं मेरे रघुराई। राम नाम की नौका में प्यारे, राम नाम की नौका में प्यारे, बैठ जा राम जी के सहारे, बैठ जा राम जी के सहारे, भव से पार ये सबको उतारे, भव से पार ये सबको उतारे, बैठ जा राम जी के सहारे, बैठ जा राम जी के सहारे, बैठ जा राम जी के सहारे। राम नौका की अद्भुत कहानी, बैठ के इसमें डूबे न प्राणी, राम नौका की अद्भुत कहानी, बैठ के इसमें डूबे न प्राणी, उसको मिल जाते हैं सब किनारे, उसको मिल जाते हैं सब किनारे, बैठ जा राम जी के सहारे, बैठ जा राम जी के सहारे। पाप से मुक्त हो जाता जीवन, खत्म हो जाती सारी ही उलझन, पाप से मुक्त हो जाता जीवन, खत्म हो जाती सारी ही उलझन, जिंदगानी सभी की सवारे, जिंदगानी सभी की सवारे, बैठ जा राम जी के सहारे, बैठ जा राम जी के सहारे। राम
राम का नाम बड़ा अनमोल, देख ले एक बार तू बोल। राम का नाम बड़ा अनमोल, देख ले एक बार तू बोल। मैं नहीं कहता कहते हैं सारे, बैठ जा राम जी के सहारे, बैठ जा राम जी के सहारे, बैठ जा राम जी के सहारे, बैठ जा राम जी के सहारे। अक्षर का नाम जप ले सुबह और शाम, दो अक्षर का नाम जप ले सुबह और शाम, दो अक्षर का नाम प्राणी जप ले सुबह हो शाम, दो अक्षर का नाम प्राणी जप ले सुबह हो शाम, दो अक्षर का नाम जप ले सुबह और शाम, जिसने राम का नाम जपा, जिसने राम का नाम जपा उसका होता कल्याण, जिसने राम का नाम जपा उसका होता कल्याण। दो अक्षर का नाम जप ले सुबह और शाम, मंत्र ये जीवन का सुमिरन कर ले प्राणी इसका, जिसने इसको अपनाया हो, जिसने इसको अपनाया आशीष मिला उसे रघुवर का, जीवन के हर रास्ते को, जीवन के हर रास्ते को ये कर देता आसान, जीवन के हर रास्ते को ये कर देता आसान। दो अक्षर का नाम जप ले सुबह और शाम, मरा मरा कहते कहते राम राम मुख से निकला, वाल्मीकि विद्वान हुए हो, वाल्मीकि विद्वान हुए रामायण जैसा ग्रंथ लिखा, साधारण हो करके भी,
ही वो बन गए संत महान, साधारण हो कर के भी वो बन गए संत महान। तो अक्षर का नाम जप ले सुबह और शाम, राम बिना सब मिथ्या है, राम का नाम ही सत्य है। सारी सृष्टि इसमें समाई हो, सारी सृष्टि इसमें समाई, सृष्टि का यही तथ्य है। थोड़ा समय निकाल के, थोड़ा समय निकाल के शर्मा कर ले तू रस पान, थोड़ा समय निकाल के शर्मा कर ले तू रस पान। तो अक्षर का नाम जप ले सुबह और शाम, मेरे प्यारे सनातन प्रेमी भाइयों, आप सभी को रविराज की तरफ से राम राम। किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित और बाबा तुलसीदास द्वारा वर्णित रामचरितमानस की वही कहानी एक नए अंदाज में सुना रहा हूँ, उम्मीद है आप सब पसंद करेंगे। मेरे राम की कहानी है जो सदियों पुरानी, आज आप सभी को सुनाते हैं। मेरे राम की कहानी है जो सदियों पुरानी, आज आप सभी को सुनाते हैं। वाल्मीकि ने लिखी है, तुलसीदास ने कही है, आज वो ही कथा दोहराते हैं। मेरे राम की कहानी है जो सदियों पुरानी, आज आप सभी को सुनाते थापन है आया जब पुत्र ना होने पाए, अयोध्या में दशरथ पुत्रेष्ठि यज्ञ करवाए। अग्नि से प्रकट खीर रानियों को खिलवाए, पुत्र रूप में राम लखन भरत शत्रुघ्न पाए। खुशियाँ चारों ओर छाई, सभी दे रहे बधाई, सोहर मिलजुल के नर नारी गाते हैं। मेरे राम की कहानी है जो सदियों पुरानी, आज आप सभी को सुनाते हैं। श्री राम को वन जाने का आदेश देकर महाराज दशरथ पुत्र मोह में पड़कर राम से कहते हैं कि बेटे तू अयोध्या का युवराज है, राजा की कुर्सी पर पहला हक तुम्हारा है। बेटे तू एक काम कर,
मेरी बात मानने से इनकार कर जा और तू वन को मत जा। इस पर प्रभु राम कहते हैं कि पिताश्री, आप हमारे कुल की परंपरा को भूल रहे हैं। हमारे कुल की परंपरा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाई पर वचन ना जाई। इस तरह से राम जी वन के लिए निकल जाते हैं और पुत्र के वियोग में राम राम कहते हुए राजा दशरथ जी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अयोध्या से वनवास राम जब चले आए, पुत्र का वियोग दशरथ नहीं सह पाए। राम राम रटते रटते प्राण कंठ में आए, प्राण निकले तन से बैकुंठ लोक को पाए। कर ले राम की तू भक्ति, मिले सुख शांति मुक्ति, राम ही पार भव से लगाते हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, माँ गंगा का वो पावन तट जहाँ से प्रभु राम को गंगा पार करके अपनी आगे की यात्रा पर जाना था। प्रभु राम अपने भाई लखन और अपनी पत्नी भारतेश्वरी माता सीता के साथ श्रृंगवेरपुर घाट पर पहुंचते हैं, जहाँ पर उनको केवट भैया मिलते हैं। अब केवट भैया से राम जी कहते हैं कि केवट भैया, हमें गंगा के उस पार जाना है, तो आप हमें गंगा के उस पार पहुंचा दो। केवट भैया प्रभु राम को जब देखते हैं तो उनके चेहरे का तेज देखकर वो पहचान जाते हैं, और फिर मनहर अवधि भाषा में केवट भैया कहते हैं, नाही प्रभु नाही, और सब तो ठीक है, लेकिन हम आपके गंगा पार नहीं पहुंचा सकत हैं। हम सुने रहे कि आप ही के पैरवा से लग के पत्थर का सिला नारी बन गई रही। अब आप ही बताओ माई बाप कि आपके पैरवा से लग के अगर हमारी नैया भी नारी बन गई, तो एक तो पहला ही से घर में है और एक दूसरी नारी लेके हम का करब। और हमारी नैया अगर नारी बन गई तो हमारे बाल बच्चा का खई है, हम कहाँ जाइब, का करब। देखो प्रभु, हम कुछ ना ही जानत हैं। अगर आपको गंगा जी के पार जाना है ना, तो आपके अपने चरण धुलावे के पड़ी, ताकि आपके चरण की धूली पानी के साथे धुल जाई और हमारी नैया बच जाई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम केवट की जिद के पीछे उसकी मासूमियत को पहचान जाते हैं और अपने चरणों को धोने की अनुमति दे देते हैं। गंगा पार पहुंच के जब राम जी के पास केवट को देने के लिए कुछ नहीं होता है, वहां पर माता सीता अपनी मुंदरी उतारती हैं, जिसे बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में लिखा है कि पिय ही अहित सी अजान नहारी, मुदित मगन मणि मुंदरी उतारी। मुंदरी उतार कर माता सीता देती हैं कि प्रभु, उतराई के रूप में से आप केवट को दे दीजिए। और केवट ठहरा उत्तर प्रदेश का जिद्दी, वो कहता है कि नहीं, मैं तो उतराई लूंगा नहीं। प्रभु राम कहते हैं क्यों, तो केवट कहता है कि भैया, भले हम अलग अलग हैं, आप प्रभु हैं मैं सेवक हूं, लेकिन काम तो हमारा एक ही है। लक्ष्मण जी अचंभित होकर केवट से पूछते हैं, केवट भैया, आप और हम एक जैसा काम कैसे कर सकते हैं। तो केवट बेहद मासूमियत से वीर लक्ष्मण को समझाते हैं कि अरे लखन भैया, जैसे हम गंगा पार करावत हैं उसे ही प्रभु भव से पार करावत हैं, तो आज हम आपसे उतराई नहीं ले रहे, और जब हम आएंगे तो आप हमसे भाव से पार करवाने का कुछ मत लेना। इस तरह से प्रभु केवट की बात मानकर वहां से आगे बढ़ते हैं।
केवट पुकारे प्रेम से तो राम जी मिले आके, धोया पावन चरणों को देखे प्रभु मुस्का के, धोया पावन चरणों को देखे प्रभु मुस्का के। राम लखन सीता को संग नाव में लाया, भव से पार जो करते उनको पार पहुँचाया, प्रभु दे रहे खेवाई, केवट ले नहीं उतराई, अंत में उसको स्वर्ग ले जाते हैं। मेरे राम की कहानी है जो सदियों पुरानी, आज आप सभी को सुनाते हैं। महर्षि गौतम के श्राप से रानी अहिल्या पत्थर स्वरूप हो गई थी। प्रभु राम अपने वनवास की यात्रा के क्रम में जब उस शिला के समीप आते हैं तो अपने चरणों के स्पर्श से उस शिला को नारी बना देते हैं, और उनके नारी बनने के बाद प्रभु श्री राम उन्हें मां कहकर संबोधित करते हैं। इस बात से ये सीख मिलती है कि अगर ईश्वर ने आपको ऊंचाई दी है, ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, तो किसी दबे को, किसी कुचले को, समाज द्वारा बहिष्कृत किसी इंसान को आप आदर दें, सम्मान दें, उसका मनोबल बढ़ाएं, तभी सच्चे मायने में आप राम भक्त कहला सकते हैं, तभी सच्चे मायने में आप राम को मानने वाले कहला सकते हैं। माँ अहिल्या के उद्धार से हमें यही सीख मिलती है। जय सियाराम। नारी बनी पत्थर गौतम ऋषि के शाप से, तारने अहिल्या को आए अभिशाप से, पत्थर भी बनी नारी चरणों की धूलि को पाके, दर्श दिए राम भाग्य खुल गए अहिल्या के, दर्श दिए राम भाग्य खुल गए अहिल्या। महिमा राम की है भारी, जाने ये दुनिया सारी, राम नाम लेके पत्थर भीतर जाते हैं। रावण जब माता सीता का हरण करके पुष्पक विमान पर बिठाकर लंका की ओर ले जा रहा था, जिस रास्ते से रावण जा रहा था उसी रास्ते में जटायु जी का आवास था। जटायु जी के कानों में जब आवाज सुनाई पड़ती है, बचाओ बचाओ हे राम, लक्ष्मण बचाओ, कोई तो बचाओ, वहां पर जटायु एक पल की भी देरी किए बिना उड़कर आकाश मार्ग में जाते हैं, और यह जानते हुए कि वह रावण को हरा नहीं पाएंगे रावण से लड़ते हैं। रावण जब अपने चंद्रहंस खड़क से उनके पंख काट देता है तब वह आकर जमीन पर गिरते हैं, मगर शरीर में जान रहते हुए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी कि मैं सीता को किसी भी तरह बचा लूं। घायल जटायु जमीन पर गिरे होते हैं, जहां पर प्रभु राम आते हैं और उन्हें अपनी गोदी में बिठाकर जब यह जान लेते हैं कि सीता के कारण उनकी यह दशा हुई है, सीता की रक्षा करने के क्रम में उनके पंख कटे हैं, तो प्रभु श्री राम उनको अपनी गोद में बिठाते हैं और बड़े प्यार से पूछते हैं कि हे पक्षीराज जटायु, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप मुझे आदेश दें। इस पर जटायु जी कहते हैं कि प्रभु, आपके गोद में अगर मेरे प्राण निकल रहे हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा क्या हो सकता है, इससे बड़ी दौलत मुझे कौन सी मिल सकती है।
इन वचनों को कहकर राम राम कहते हुए जटायु जी अपना नश्वर शरीर छोड़ देते हैं और वैकुंठ लोक को जाते हैं। सुनकर पुकार सिया की आकाश में उड़कर आया, लंकापति रावण से जटायु जाके टकराया। घायल जटायु गिर के गगन से जमी पर आया, मौत सामने थी वो राम नाम चिल्लाया। लिया जटायु ने नाम, मौत को भी रोके राम, अपने सीने से भक्त को लगाते हैं। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे भिलनी की डगरिया। माता शबरी गुरु मतंग की शिष्या और प्रभु राम की अनन्य भक्त सालों से प्रभु राम की राह देख रही थी। प्रभु राम जब माता शबरी की कुटिया में आते हैं तो माता शबरी बेर चक चक कर चुन चुन कर इकट्ठा करके रखी होती है। वही बेर माता शबरी प्रभु राम को खाने को देती है। प्रभु राम और भाई लक्ष्मण उस बेर को खाते हैं। हालांकि बेर जूठे थे मगर प्रभु श्री राम बड़े प्यार से और बड़ा आनंद लेकर वो बेरों को खा रहे थे, मगर लक्ष्मण जी बेरों को हिचकिचाकर खा रहे थे और नजर बचाकर फेंक दे रहे थे। लक्ष्मण जी ने जो बेर फेंका वो बेर पहुंचा ऋषिमुख पर्वत पर, जहां पर वही बेर जिसने संजीवनी बूटी का रूप लिया और वही संजीवनी बूटी जिसने लक्ष्मण के प्राण बचाए जब वो युद्ध में मूर्छित पड़े हुए थे। मिलने माता शबरी को राम लखन आते हैं, भिलनी को माता कह राम जी बुलाते हैं। बेर दिए शबरी ने राम मेरे खाते हैं, झूठे बेर खाने में लखन हिचकिचाते हैं। झूठे बेर खाने में लखन हिचकिचाते हैं। लगी लखन को जब शक्ति वही बेर बना बूटी जिसे हनुमान जाकर पिलाते हैं। प्रिय सनातन प्रेमियों, हम सब जानते हैं कि आजकल का जीवन भाग दौड़ से भरा है, किसी के पास भी फुर्सत नहीं है। बाबा तुलसीदास ने भी कहा है कि गृह कारज नाना जंजाला, इसलिए मैं कहता हूं और आप सब जानते भी हैं कि जिंदगी जब तक रहे फुर्सत न मिले काम से, थोड़ा सा वक्त निकाल ले कर ले प्रेम राम से, अपना काम भी करते रहें और प्रभु का स्मरण रखें, उन्हें याद करते रहें, ताकि जीवन में आने वाली कठिनाइयों का हम सामना कर सकें और उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए हमारा मनोबल और दृढ़ हो। और चाहे खुशी हो या गम हो, उतार हो या चढ़ाव हो, जीवन का बैलेंस बना रहे। आप सभी राम भक्तों को मैं रविराज एक बार फिर प्रणाम करता हूँ और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह कथा आपको जरूर पसंद आई होगी। और किसी भी त्रुटि के लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। जय जय सियाराम। जिंदगी जब तक रहे फुर्सत ना होगी काम से, राम राम कह ले बंदे प्रेम कर ले राम से।
संजय की मानो बात कटे जिंदगी आराम से, रवि कहे प्राणी नाता जोड़ ले तू राम से, अपने भक्तों के प्यारे राम सबके सहारे, राम सबकी ही बिगड़ी बनाते हैं, रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलनी की डगरिया, रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं शबरी भिलनी की जाई भजन भावना जानू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो दासी की झोपड़िया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कराती हूँ, अपने प्रभु की खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ, मीठे मीठे बेरन की भर, मीठे मीठे लाई मैं छबरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। सुंदर
सुंदर श्याम सलोनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी, पद पंकज की रज धर मस्तक चरणों में शीश नवाऊंगी, रटते बीती रे उमरिया। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ, दर्शन बिन दो नैना तरसे दिल की बड़ी दुखियारी हूँ, मुझको दर्शन दे ओ रामा, मुझको दर्शन दे ओ रामा, डालो एक नजरिया, रामा 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 रटते रटते बीती रे उमरिया। जाने हो जाए कब इस जीवन की शाम, जाने हो जाए कब इस जीवन की शाम, अब भी वक्त है पगले तू भज ले राम का नाम, अब भी वक्त है पगले तू भज ले राम का नाम। ना जाने हो जाए कब इस जीवन की शाम, जाने हो जाए कब इस जीवन की शाम, अब भी वक्त है पगले तू भज ले राम का नाम, अब भी वक्त है पगले तू भज ले राम का अहम की माला तोड़ के प्राणी सब कुछ राम पे छोड़ के प्राणी, सब कुछ राम पे छोड़ के प्राणी, हाथ जोड़ के कह दे सब तेरा है भगवान, भी वक्त है पगले तू भज ले राम का नाम, अब भी वक्त है पगले तू भज ले राम का नाम। दो पल की तेरी जिंदगानी क्यों करता है तू यूं मनमानी,
का सही होगा ना परिणाम। अब भी वक्त है पगले तू भज ले राम का नाम। अब भी वक्त है पगले तू भज ले राम का नाम। सब कुछ यही पर रह जाएगा, कर्मों का लेखा ही काम आएगा। इस सच्चाई को तू क्यों भूलता है नादान। भी वक्त है पगले तू भज ले राम का नाम। आज सारा सजा दो अयोध्या नगर, आज सारा सजा दो अयोध्या नगर, स्वर्ण रथ पर प्रभु राम जी आ रहे, फूल कलियां बिछा दो चारों ही तरफ, हो स्वर्ण रथ पर प्रभु राम जी आ रहे। आज घर घर में दीपक जलाओ सभी, आज घर घर में दीपक जलाओ सभी, ढोल और नगाड़े बजाओ सभी, ढोल और नगाड़े बजाओ सभी, इनकी आवाज जाने दो अंबर तलक, इनकी आवाज जाने दो अंबर तलक, हो स्वर्ण रथ पर प्रभु राम जी आ रहे। बरसों की आशा पूरी हुई देखिए, आ गए राम जी देखिए, बड़ी सुंदर छवि बड़ी सुंदर झलक, स्वर्ण रथ पर प्रभु राम जी आ रहे। राम के साथ लक्ष्मण और माँ जानकी, और चरणों में बैठे हैं हनुमान जी,
शर्मा के मन में है देखने की ललक, स्वर्ण रथ पर प्रभु राम जी आ रहे, रघुवीर रघुनंदन करता हूँ तेरा वंदन, करता हूँ तेरा वंदन, रघुवीर जय रघुवीर रघुनंदन करता हूँ तेरा वंदन, शाम तुम्हें ध्याता हूँ, चरणों में शीश झुकाता हूँ, मैं हूँ पानी तुम हो चंदन, करता हूँ तेरा वंदन, तुम पतित पावन कहलाते, प्रभु बेड़ा पार लगाते, काटो मेरे भी सब बंधन, करता हूँ तेरा वंदन, खुद को मुक्त किया, ये जीवन तुमको सौंप दिया, अब मन में रही ना उलझन, करता हूँ तेरा वंदन, प्रभु तेरा तुझको अर्पण, उज्ज्वल हुआ मन का दर्पण,
मेरा स्वर्ग सा हो गया जीवन, करता हूँ तेरा वंदन।